गाइस कॉपी पेस्ट करके मैंने अपने शॉर्ट चैनल से जून के महीने में 29,500 रुपए कमाए, जुलाई में 14,500 रुपए कमाए एंड अगस्त में 21,500 रुपए कमाए। अब इतने रुपए आप भी कमा सकती हो, लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, अभी के टाइम पर दूसरों के वीडियोस पर वॉइस ओवर करके, अपने चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड करके हजारों लोग अपने अपने शॉर्ट चैनल से लाखों रुपए कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आयुष डिटेक्शन ने लास्ट 28 दिन में 46,000 रुपए कमाए, शॉर्ट्स विद राज ने 44,000 रुपए कमाए और मैंने अपने शॉर्ट चैनल से 19,000 रुपए कमाए एंड ड्रैको ब्लॉक्स ने अपने शॉर्ट चैनल से 1,00,000 रुपए से ऊपर पिछले 28 दिन में कमाए हैं, सिर्फ दूसरों के वीडियोस पर वॉइस ओवर करके अपने शॉर्ट चैनल पर डालकर। अब देखिए गाइस, अगर आप शॉर्ट चैनल पर कॉपी पेस्ट करके इतना पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इन 5 स्टेप्स को बारीकी से फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर आप इन 5 स्टेप्स को बारीकी से देखोगे तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, आप आज से ठीक 1 महीने बाद अपने शॉर्ट चैनल से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर छोड़कर जाओगे तो यार चले जाइए, क्योंकि मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पैसा आपको कमाना है तो वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब गाइस, पहले स्टेप में आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पर शॉर्ट बनानी है। तो देखिए, अगर आप पुराने टॉपिक्स पर शॉर्ट बनाओगे तो आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं होंगे, मतलब कि आपको उन टॉपिक्स पर शॉर्ट्स बनाने हैं जो अभी के टाइम पर वायरल हो रहे हैं। अब देखिए गाइस, वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ बंदे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं शॉर्ट चैनल बनाऊं या फिर लॉन्ग चैनल बनाऊं, और चैनल बनाऊं या ना बनाऊं, मतलब कि यूट्यूब पर काम करूं या ना करूं। तो देखिए गाइस, अगर अपन शॉर्ट्स और लॉन्ग की बात करें तो मैंने आपको अभी पीछे जो है कुछ शॉर्ट चैनल की अर्निंग दिखाई थी, अगर वो अर्निंग आपको ठीक ठाक लगी तो आप जो है शॉर्ट चैनल बना सकती हैं। एंड देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं स्टडी करता हूँ या मैं कोई और काम करता हूँ, मैं जो है शॉर्ट चैनल नहीं चला पाऊंगा, मेरे को जो है टाइम नहीं मिलता, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि आज मैं आपको जिस टाइप के कॉपी पेस्ट वाले शॉर्ट्स बनाना सिखाने वाला हूँ, आप उस टाइप के शॉर्ट्स आसानी से 15-20 मिनट में बना सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो देखिए गाइस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पर शॉर्ट्स बनानी है। तो आपको कुछ नहीं करना यार, मतलब कि रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे, आपको ये पता करना है कि अभी के टाइम पर यूट्यूब पर जो है किस टाइप के शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं। तो आप जब शॉर्ट चलाओगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा फैक्ट चैनल मिल ही जाएगा। अभी मुझे एक चैनल मिल चुका है, नाम है द लूडो फैक्ट्स। ये बंदा क्या करता है, अपने शॉर्ट चैनल पर दूसरों के शॉर्ट वीडियोस पर वॉइस ओवर करके अपने शॉर्ट चैनल पर डालता है एंड इसके शॉर्ट्स पर हर एक शॉर्ट वीडियो पर मिलियन में व्यूज आती है। इसका मतलब अभी के टाइम पर इस टाइप के शॉर्ट्स जो है वायरल हो रहे हैं। तो अब इस टाइप के शॉर्ट्स आप कैसे बनाओगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, और टेलीग्राम पर आपको जाने के बाद आपको जो है सर्च बार में यहां पर जो है Ankesh/Dhakad आपको जो है सर्च करना है। अब इसी एप्लीकेशन पर आपको जो है, जैसे ये मेरा सबसे नीचे चैनल आ गया जिस पर कि 5,300 सब्सक्राइबर है। अब देखिए गाइस, इसमें आपको जो है सबसे ऊपर आ जाना है। अब आप इस चैनल में जब सबसे ऊपर आओगे तो यहां पर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आपको जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड इसी एप्लीकेशन पर आपको जो है द लूडो फैक्ट्स की तरह, मतलब द लूडो फैक्ट्स जिस टाइप के शॉर्ट बनाता है उसी टाइप के शॉर्ट आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। अब इस एप्लीकेशन को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, मैं पहले से कर चुका हूं। तो उसके बाद आपको जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब आप इस एप्लीकेशन को जब ओपन करोगे तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, उस आईडी को ढूंढना जिस आईडी पर इस टाइप के शॉर्ट्स डाले जाते हैं। तो जैसे कि ये शॉर्ट है, ठीक है, अब ये जो शॉर्ट है, इस टाइप के शॉर्ट्स आपने शॉर्ट्स विद राज के चैनल पर जो है देखे होंगे, तो आप जो है यहां पर आपको सभी टाइप के शॉर्ट्स मिलेंगे। जैसे कि ये एक शॉर्ट है, ठीक है, अगर मैं बैक करूं तो यहां पर दो छोटे छोटे बच्चों के शॉर्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है
कि आप जब इस एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चलाओगे, यहाँ पर ये देखिए आपको जो कॉटन कैंडी वाला मिल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लकड़ी के हवाई जहाज वाला मिल गया, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर टेंगू लाल मिल गया, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको जो है पेंटिंग वाला मिल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये आईफोन के चैलेंज वाला मिल गया, यहाँ पर आप ये बच्चे देख सकते हैं, मतलब कि इस एप्लीकेशन में आपको सभी टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। अब आपको फॉर एग्जांपल किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना है तो आप जो है उस वाले वीडियो को प्ले करोगे, उसके बाद यहाँ शेयर बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आप जो है आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक का, आप जो है कॉपी लिंक पर क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर में आ जाना है और प्ले स्टोर से आपको इस वीडियो का डाउनलोडर डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब आप इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करोगे, उसके लिए आप जो है इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, आप नीचे स्क्रॉल करोगे KW वीडियो डाउनलोडर, आपको जो है इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए आपको जो है इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा एंड यहां पर आपने जो लिंक कॉपी की थी वो अपने आप यहां पर आ जाएगी, आपको सिंपली जो है डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करना है। ये जो है थोड़ा सा वेट मतलब थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 0% डाउनलोड है, 1% हो गया, ये 6-8% हो गया, तो इस तरीके से आपका ये वीडियो जो है गैलरी में डाउनलोड होके आ जाएगा। एंड देखिए गाइस बाकी के जो 4 स्टेप बचे हैं इनको आपको बारीकी से देखना जरूरी है, तभी आप अपने शॉर्ट चैनल को ग्रो कर पाओगे, शॉर्ट्स को वायरल कर पाओगे एंड शॉर्ट चैनल से पैसा कमा पाओगे। अब अपना सेकंड स्टेप है शॉर्ट चैनल बनाने का। अब देखिए शॉर्ट चैनल तो आपने भी बना लिया होगा, यहां पर मैं आपको शॉर्ट चैनल बनाना नहीं सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, आप सबने बना लिया होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने शॉर्ट चैनल पर पहला शॉर्ट डालती हो, अब या तो उस पर 0 व्यूज आती हैं या फिर 1-2 व्यूज आते हैं। अब देखिए पहले अपन बात करते हैं 0 व्यूज की, तो देखिए 0 व्यूज के 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है, जब टाइम आएगा। दूसरा सॉल्यूशन ये कि आप कुछ मत कीजिए, अगर आपके मोबाइल में आपने 10-15 चैनल बना रखे हैं तो अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के मोबाइल से उसी की सिम से जो है शॉर्ट चैनल बनाइए, उसी की सिम से वेरीफाई कीजिए, उसी की सिम से जीमेल आईडी बनाइए, सारी चीजें उसी के मोबाइल में कीजिए, बाद में जब 1-2 व्यूज आने लगे तो आप अपने मोबाइल में जो है उस आईडी को लॉगिन कर लेना। अब अगर बात करें 1-2 व्यूज की, मतलब कि 1-2 व्यूज आने के बाद में शॉर्ट रुक जाती है, तो देखिए इसका कोई यार मतलब सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, उसके स्टार्टिंग में 1-2 व्यूज आते होंगे, उसके जब वो रेगुलर अपने शॉर्ट्स चैनल पर शॉर्ट्स डालता रहा होगा तो उसके शॉर्ट्स पर मिलियन में व्यूज आने लगे होंगे। मतलब कि आपको रेगुलर रहना है और रेगुलर अपने शॉर्ट्स चैनल पर शॉर्ट्स डालते रहना है, 1-2 व्यूज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन गाइस अगर आपने शॉर्ट चैनल सही तरीके से नहीं बनाया है तो देखिए इस वाले वीडियो में मैंने बता रखा है शॉर्ट चैनल कैसे बनाया जाता है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देखें। अब तीसरे पार्ट में अपन बात करते हैं इस टाइप के शॉर्ट्स को एडिट कैसे करना है। देखिए एडिट करना बहुत ज्यादा आसान है, आप सबको आता होगा, लेकिन आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं बताता। तो देखिए जब आप शॉर्ट वीडियोस को एडिट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे। स्क्रिप्टिंग मतलब आप अपने शॉर्ट वीडियोस में जो बोलोगे, पीछे से जो वॉइस ओवर करोगे, उसकी स्क्रिप्टिंग आपको करनी है। लेकिन स्क्रिप्टिंग करते टाइम आपको जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज है ऑडियंस को रोकने की। देखिए अगर मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि आज के टाइम पर यूट्यूब पर जो है लाखों लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो आपका शॉर्ट क्यों वायरल होगा? आपका शॉर्ट तब वायरल होगा जब कोई आपके शॉर्ट, जैसे यूट्यूब आपके शॉर्ट को जो है शॉर्ट फीड में 100 लोगों को दिखाएगा, जब उन 100 लोगों में से 80 लोग आपके शॉर्ट को रोक कर देखेंगे तब यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को वायरल करेगा। अब जनता को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने शॉर्ट के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलना होगा कि सामने वाला बंदा आपके शॉर्ट पर रुक जाए। इसके लिए आप जो है अपने खुद के दिमाग से सोचेंगे, आप जो है फॉर एग्जांपल दाल लूडो फैक्ट्स को देख सकते हैं। बेटा जल्दी से ये गर्मा गर्म खाना खा ले। ये क्या मम्मी, हर वक्त ये खाना खा खा कर मैं पक चुका हूँ, मुझे कुछ नया खिला। अब देखिए गाइस जो दाल लूडो फैक्ट्स जिस तरीके से बोलता है, जो शब्द बोलता है, उससे भी आपको अच्छे बोलने होंगे क्योंकि यार इस वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा व्यूज है, मतलब 8 लाख लोग तो इस चीज को
सुन चुके हैं ना, तो आपको कुछ नया करना होगा। इसके अलावा स्क्रिप्टिंग में अंदर की अगर अपन बात करें, मतलब आगे आप क्या बोलोगे, तो वो आप अपने हिसाब से कुछ डायलॉग वगैरह ऐड कर सकते हो। अपन मतलब यार आपको जो है एक, मतलब आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐड करना है कि जनता जो है, जनता को देखने में मजा आए, सीधी सी बात है। बाकी आप स्क्रिप्टिंग में लाइक सब्सक्राइब के लिए अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अब एडिटिंग में अगली चीज आती है वॉइस ओवर की। अब देखिए काफी लोग यार इतना भद्दा, इतना बेकार वॉइस ओवर करते हैं कि मतलब कुछ पूछो ही मत भाई। मतलब देखो आपको वॉइस ओवर भी सही तरीके से करना होगा। अगर आपका वॉइस जो है घिसा पिटा होगा, घिसा पिटा कई लोगों का होता है, तो सामने वाला यार आपके शॉट पर नहीं रुकता और उसको देखता भी नहीं है, इसीलिए शॉट्स वायरल भी नहीं होते। तो आपको वॉइस ओवर में क्या करना है, सबसे पहली बात आपको जो है अपने वॉइस ओवर में डरना नहीं है। मतलब आपको जो है खुलकर वॉइस ओवर करना है। खुलने से मेरा मतलब है जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सामने मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं बोलना मतलब बोलना बंद नहीं करूंगा, क्यों, और उतनी ही एनर्जी के साथ मैं बोलता रहूंगा। तो आपको जो वॉइस ओवर करना है वो एक एनर्जी के साथ में करना है और लाउडली करना है, चिल्ला चिल्ला के करना है। अब बात आती है माइक वगैरह की। अगर आपके पास माइक है तो अच्छी बात है, अगर माइक नहीं है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। आप जो है अकेले मोबाइल में जो माइक आता है उससे भी रिकॉर्ड कर सकती हो भाई, बहुत अच्छी वॉइस जो है रिकॉर्ड हो जाती है माइक से भी। तो मतलब बिना माइक के और माइक से भी आपको अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। अब अगली चीज आती है कि यार वॉइस को एडिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप देखिए वॉइस को एडिट करना चाहते हैं तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर जैसे एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी वॉइस को कभी भी एडिट नहीं किया। मैं क्या करता हूँ यार, अच्छे तरीके से वॉइस ओवर करता हूँ और जो वॉइस का वॉल्यूम रहता है उसको जो है 200 कर देता हूँ, एंड जो मेरे वॉइस की स्पीड रहती है उसको मैं जो है थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, बात खत्म। इसीलिए वॉइस मेरी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं अपन फाइनल एडिटिंग की। तो देखिए गाइस आपको अब आगे कुछ नहीं करना यार, जो आपका वॉइस ओवर है, जो आपकी वॉइस है और जो आपकी वीडियो है उसको आपको एक साथ मर्ज करना है। मतलब जो वीडियो में हो रहा है और जो आप बोल रहे हो वो जो है एक साथ होना चाहिए। वो आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो, काइन मास्टर से कर सकते हो, अगर आप काइन मास्टर का यूज नहीं कर सकते बीएन से कर सकते हो, इनशॉट से कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। अब चौथे स्टेप में हम जानते हैं कि आपके पास शॉर्ट वायरल करने के लिए कौन कौन से ऐप्स का होना जरूरी है। अब ऐप आपके शॉर्ट को वायरल कैसे करेंगे वो आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहला ऐप आपके पास YouTube होना चाहिए, जो कि होगा ही। दूसरे नंबर पर आता है आपका डाउनलोडर, मतलब जो क्वाउसाउ जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी जहां से आप शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड करोगे। अगला तीसरा आपके पास होना चाहिए एडिटर। एडिटर में आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, काइन मास्टर, बीएन या फिर इनशॉट, ठीक है। अब चौथा सबसे इंपोर्टेंट ऐप जो है वो है बाइटी स्टूडियो। अब ये बाइटी स्टूडियो इंपोर्टेंट क्यों है, तो देखिए जब तक आप अपने शॉर्ट वीडियोस में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे आपके शॉर्ट वायरल नहीं होंगे, एंड हर एक बड़े से बड़ा यूट्यूबर आपको ये बात कहता हुआ नजर आएगा कि आपको जो है इम्प्रूवमेंट करना होता है, वीडियो हो चाहे शॉर्ट हो अपने आप वायरल होता है। अब इम्प्रूवमेंट आपको बाइटी स्टूडियो की हेल्प से करना होगा। कैसे करना होगा, तो देखिए बाइटी स्टूडियो में आपको ये दिखता है कि आपके शॉर्ट पर कितने व्यूज आए, उसमें से कितने लोगों ने लाइक किया। अब आपके शॉर्ट पर अगर आज 1000 लोगों ने आपके शॉर्ट को देखा और उनमें से 100 लोगों ने लाइक किया, तो अगली बार आपको कोशिश करनी है कि आप इतना अच्छा शॉर्ट बनाओ कि अगली बार जो है 100 लोग आपके शॉर्ट को लाइक करें। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि क्या जनता आपके शॉर्ट को देख रही है या फिर देख नहीं रही है। इससे मेरा मतलब है ऑडियंस रिटेंशन। अगर आज आपके 40 सेकंड के शॉर्ट को लोगों ने 20 सेकंड देखा है, तो आपको अगले दिन कोशिश करनी है कि आपके शॉर्ट को लोग 25-30 सेकंड देखें। मतलब कि इस तरीके से आपको बाइक स्टूडियो को मैनेज करना है, उसको देखना है। बाइक स्टूडियो आपको सारी चीजें बताता है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनकी एज क्या है और वो और किस टाइप का कंटेंट देखते हैं और किस टाइप के शॉर्ट चैनल देखते हैं और वो यूट्यूब पर कितने बजे जो है एक्टिव रहते हैं, सारी चीज़ें आपको बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन बताता है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपको बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन चलाना आ गया ना सही तरीके से, यार आपको यूट्यूब पर ग्रो होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता और शॉर्ट वायरल होने से किसी का बाप छोड़ो कोई भी नहीं रोक सकता। अब गाइस पांचवें स्टेप में हम जानते हैं
कि शॉर्ट चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज कैसे लाए जाते हैं। तो देखिए गाइस, स्टार्टिंग में आप जितने ज्यादा व्यूज लाओगे उतना ज्यादा आपके शॉर्ट चैनल को फायदा होगा। अब स्टार्टिंग में व्यूज लाने के तरीके तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको क्या वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जिनकी वजह से मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, स्टार्टिंग में व्यूज लाने का पहला तरीका है खुद से वॉच करना। आपको क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, तो आपको अपने शॉर्ट वीडियो के टाइटल और आपके शॉर्ट चैनल के नाम को मिक्स करके आपने किसी रिलेटिव या फिर फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के मोबाइल में सर्च करना है। उसके बाद उसके मोबाइल से आपको अपने शॉर्ट वीडियो को वॉच करना है। इसके अलावा आप जो है सर्चेबल टॉपिक्स पर शॉर्ट्स बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें या फिर फेसबुक का पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें, मतलब ये वो टॉपिक हैं जिनको जो है लोग बाग सर्च करते रहती हैं, और अगर इन टॉपिक्स पर कोई शॉर्ट बनाता है तो उनके व्यूज भी आती हैं। अब देखिए गाइस, अगर आपको जानना है कि शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करवाने से पहले अपन को जो है कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो मैंने जो है इस वाले वीडियो में बता रखा है। अभी के अभी यहां क्लिक करो एंड इस वीडियो को जरूर वॉच करना अगर आपको अपने शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करवाना है। अगर आप कुछ गलतियां कर दोगे तो आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना जरूरी है। इसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए।